भगवान सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से सदैव नारायण सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री नारायण सिंह यादव जी एक सुचारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे पढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण नेताजी ने संघर्ष किया और धरती पुत्र कहलाए गए। नेताजी के बगैर हम समाजवादियों का बहुत बड़ा स्थान रिक्त हुआ है और देश की छत हुई है जो इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। साथियों, सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी पहले नाम ऐसा था जिसको नेताजी कहा जाता था। इसके अलावा कोई नेता नहीं था। धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से इनको ये विख्यात हुए और जाने जाते रहे और लगातार गरीबों के प्रति संघर्ष करते हुए और बहुत निचले हिस्से से वो आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बने और देश के राष्ट्रीय वो रक्षा मंत्री रहे। और लगातार आज भी हम लोग लगातार 1 महीने से करीब नेताजी बीमार थे और लगातार उनके लिए दुआ करते रहे कि भगवान उनको अच्छा कर दे, लेकिन ये भगवान की बात है और आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसके लिए हम लोग दुख प्रकट करते हैं और वो अच्छी जगह जा रहे हैं। इसी के साथ मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके रिक्त स्थान कैसे भरा जाएगा। यहाँ पर मौजूद है समाज सेवी रत्नेश मिश्रा जी, जरा हम इनसे भी जानकारी करते हैं कि आज के दिन जो नेताजी नहीं रहे हैं तो वाकई में आज का दिन कैसा है, कैसा महसूस हो रहा है? आज का दिन तो बहुत ही दुखद है। आज हमारे बीच नेताजी का न होना ये बहुत ही दुखद बात है। जिन्होंने हमेशा किसानों और बेरोजगारों के हित में बात कही और वो कहते रहे, इसीलिए आज का दिन तो बहुत ही दुखद है। हम इसके आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। नेताजी ने बहुत ही बड़ा बलिदान किया है, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है और हमेशा युवाओं को आगे किया है। पीछे पल में बैठे हुए लोगों को हमेशा आगे करने का प्रयास किया है। छोटा सा कार्यकर्ता रहा उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया। ये नेताजी के अंदर बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही हृदयदार थे, बहुत ही सुंदर नेचर था उनका, बहुत ही अच्छा स्वभाव था। लेकिन अब क्या किया जाए, दुखद है, बहुत ही दुखद है। हम लोगों के बीच में ऐसा ना हो जो हम समाजवादियों के लिए बहुत ही दुखद बात है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज सुबह 8:20 पर मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। आइए हमारे साथ जुड़े हैं विनोद यादव जी जो कि अपना भक्त। मैं समाजवादी पार्टी वर्तमान और जो दुख हम लोगों से पड़ा है, माननीय नेताजी ऐसे नेता थे कि हर पार्टी के हर वर्ग का आदमी उनको नेताजी कहने लगा। उन्होंने जो अपनी राजनीति सफर तय की थी वो अगर पूरा इतिहास बताया जाए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद ऐसा कोई नेता नहीं है हुआ होगा जो ज़मीन से संघर्ष करके एक इतनी बड़ी पार्टी को बनाया और हर वर्ग के लोगों को ध्यान दिया। खासकर किसानों के विषय में बोलते थे, नौजवानों के विषय में बोलते थे, महिलाओं के लिए जो बात उन्होंने बड़ी अच्छे से कहते थे और नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो बात माननीय नेताजी सदन में उठाते थे बहुत प्राथमिकता से, और ऐसे लोगों को उन्होंने सदन में भेजा है
जो शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उदाहरण तौर पर फूलन देवी को भी लिया जाए, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, लेकिन नेताजी ने उनको समझा, उस वर्ग की महिला को समझा और उनको सदन में भेजने का। ऐसे नेता थे जिनके अंदर ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, सारे लोगों को एक साथ और सामाजिक आप सब समानता बनाते हुए हर नौजवान को उन्होंने सम्मान किया है, हर वर्ग के नेता का सम्मान किया है, वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस राजनीतिक पार्टी का रहा हो। ऐसे नेता को हम सतत नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और हम नौजवानों को ऐसे नेता से प्रेरणा लेनी चाहिए। अरुण यादव, पब्लिक लाइफ फैमिली। 60 से 65 के दशक से राजनीति के सफर में समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज सुबह 8:20 पर वेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। आइए बात करते हैं डॉक्टर MI जावेद साहब, जिला समाजवादी अल्पसंख्यक समाज। जी सर। ये 1965 से और जो 2022 तक मुलायम सिंह जी का कार्यकाल कैसा रहा और क्या क्या कठिनाइयाँ आई और किन किन परेशानियों का सामना करके? सबसे पहले तो मैं निःशब्द हूँ कि उनके बारे में क्या कहूँ। ये हम लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है कि नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनका साया, उनका जो हम लोगों के सिर पर हाथ था, वो आज हाथ उनका हम लोगों के बीच में नहीं रहा। आज हम लोग जो है अनाथ हो गए। और जहाँ तक नेताजी के 1967 में जब वो पहली बार विधायक बने थे, 1967 से 2022 के बीच में अगर उनका जीवन देखा जाए तो वो हमेशा समाज के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए एक मुखर आवाज थे। वो समाजवाद के प्रेरणा स्रोत थे। वो गरीब मजलूम दलितों सबके हक की लड़ाई लड़ते रहे और जीवन पर्यंत लड़ते रहे। आइए बात करते हैं आज यादव जी से, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी। नेताजी एक युग का अंत हुआ। नेताजी हम जैसे गरीब किसान, नौजवान मजदूर के नेता थे और जिन्होंने हम जैसे करोड़ों लोगों को जमीन से अपमान दिलवाने का काम किया। हम जैसे एक किसान के बेटे को 2012 में रैवली से टिकट दिया, उससे पहले पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया, उससे पहले मैं यूजन सभा का अध्यक्ष पद, छात्रसभा का अध्यक्ष पद और करोड़ों लोगों को नेताजी ने राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया। रैवली के कुछ ऐसे लोग जो नेताजी के साथ धोखा देकर तैयार उनको भी नेताजी ने सदन तक पहुंचाने का काम किया था। नाम नहीं लूँगा, तमाम लोग हैं रैवली में भी जो नेताजी की कृपा से आज रात में बहुत बताइए। नेताजी का 65 से 2022 तक सफ़र कैसा रहा? नेताजी का कोई जवाब हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नहीं होगा। देश के आज की डेट में प्रधानमंत्री जो है तारीफ कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी तारीफ कर रहे हैं और हिंदुस्तान के कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी पद यात्रा रोक रखने में बड़ी प्रधानमंत्री जी ने फोटो देखा था। और सर्वदल के लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि नेताजी को श्रद्धांजलि दिया, नेताजी को वेदांता हॉस्पिटल में देखने लोग गए। मैं भी दिल्ली 3 दिन पहले गया था और हम लोग बहुत दुखी हैं। हमें लगता है कि 2-4 युग तक नेताजी की तरह का कोई नेता पैदा नहीं हुआ। आपने देखा कल कैसे ऊपर वाला बादल गरज रहे थे, तो नेताजी की पहाड़ भी थी, मान लीजिए कोई बड़ा नेता खत्म होता है, चाहे राजीव गांधी खत्म हुए, तब भी बहुत तूफान आंधी आया था।
अब आज नेताजी जब कल खत्म हुए तो ऊपर वाले को भी मौजूद हूँ बदायूं जिले में, जहाँ पर आप लोगों को पता है आज हमारे बीच माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे हैं। उसी के पक्ष में मैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी के आवास पे आया हूँ, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी आज सेपई निकल चुके हैं और हमसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व माननीय श्री अवधेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो हमें बताएंगे कि नेताजी के बारे में आज हमारे बीच नेताजी नहीं है और कैसा क्या है नेताजी, कैसे क्या बताना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पुरोधा और गरीब पिछड़े दलित और कमज़ोर की आवाज़, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज 10 अक्टूबर को हम लोगों के बीच नहीं रहे। वेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और वहीं उनका 8:16 पर निधन हुआ। मैं ये बताऊं कि माननीय नेताजी माननीय डॉक्टर लोहिया जी के बड़े करीबी लोगों में से थे। उस समय वो विधायक बने, 67 के पहले सिंचाई आंदोलन में उन्होंने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी और सिंचाई कर को उन्होंने माफ़ कराया था नेताजी। उसके बाद 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें नेताजी सहकारिता मंत्री बनाए गए। उसके बाद फिर नेताजी 89 में जब जनता दल की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री बने और 1992 में जब चुनाव हुआ तो नेताजी के हार के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया और उसके बाद से 1993 में पुनः सपा बसपा के मिलजुल करके सरकार बनी, उससे वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर लगातार 3 मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे, विधानसभा में भी गए, विधानसभा में भी नेता विपक्ष के रहे, विधान परिषद में भी रहे, लोकसभा के मेंबर रहे और यही नहीं वह लगातार निरंतर गरीब पिछड़े दलित की आवाज़ बनकर के काम करते रहे और माननीय अखिलेश यादव जी को 2012 में उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में समाजवादियों की बागडोर उनके हाथ में दिया। माननीय अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय नेताजी उसके संरक्षक थे। उनके निधन से हम सब लोगों का संरक्षक चला गया। ये माननीय धर्मेंद्र यादव जी का आवास है। धर्मेंद्र यादव जी मैनपुरी से भी सांसद रहे और इस बदायूं से भी कुल मिलाकर के 3 माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद रहे। यह शोकाकुल परिवार बहुत शोक में डूबा हुआ है और इस शोकाकुल परिवार को हम सब लोगों से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो नेताजी को स्वर्ग में स्थान दे और समाजवादी आज यानी कि यहाँ पे सांसद जी नहीं थे, उनके प्रतिनिधि अवधेश यादव जी ने नेताजी के बारे में बताया। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज। कैमरामैन रवि कुमार के साथ संवाददाता विक्रम सिंह। मैं विक्रम सिंह इस समय आज हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जो थे मुलायम सिंह यादव, आज उनका देहांत हो गया। मुलायम सिंह यादव का जन्म सिपही में एक किसान परिवार में, साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिताजी सुभाष सिंह यादव थे। माननीय नेताजी गरीब किसान परिवार में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कुशाग्र थे। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद करहल इंटर कॉलेज में शिक्षण कार्य किया और उसके साथ साथ वो पहलवानी के भी बहुत शौकीन थे। एक अखाड़े में नत्थू सिंह यादव जो वहाँ के विधायक थे, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को पहचाना और उनको अपनी सीट जसवंत नगर से चुनाव लड़ा दिया और माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय चुनाव जीतने वाले सबसे कम उम्र के विधायक थे और उसके बाद से पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। लगातार वो 8 विधायक रहे, 7 सांसद रहे, 3 मुख्यमंत्री रहे, 1 एमएलसी रहे और लगातार वो गरीबों किसानों दलितों मुसलमानों की लड़ाई लड़ते रहे। कहीं कोई अन्याय हो शासन प्रशासन या सरकार के द्वारा, माननीय नेताजी सदैव मजबूती से खड़ा होते थे और उसकी लड़ाई लड़ते थे और समाजवाद को उन्होंने स्थापित किया। पहले वो जनता दल से, फिर बीजेडी से और बाद में 1992 में उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी का गठन किया
और समाजवादी पार्टी से उन्होंने मनोहर कांशीराम जी से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई अपने, और पिछड़ों दलितों के लिए उन्होंने काम किया। मंडल कमीशन को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया, और आज मंडल कमीशन को खत्म किया जा रहा है। आज देश में हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है। माननीय नेताजी इस देश को एक रखना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बराबर समझते थे, और सारे कार्यकर्ताओं को अपने बेटे के इससे ज़्यादा प्यार करते थे। कहीं कोई आंदोलन हो उसमें वो शामिल होने के लिए तैयार रहते थे। हमारा तो व्यक्तिगत उनसे संबंध सन्नवासी में, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ तो हम और कृष्णमूर्ति यादव उनसे मिलने गए, और उन्होंने हमारा सम्मान किया जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और तब से मैं उनसे लगातार जुड़ा हुआ। जरूर है बीच बीच में हम उनसे नाराज हो जाते थे, और हमसे वो कहते थे तुम क्यों नाराज हो जाते हो, हम इतना हमसे नाराज होते थे फिर हमको बुलाते थे। तो वो एक गार्जियन की तरह व्यवहार अपने कार्यकर्ता के साथ करते थे। सेना को इस देश में जब शहीद होते थे सेना, तो उनकी लाश को गायब कर दी जाती थी, फेंक दी जाती थी। जब माननीय मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सेना को घर भेजने का काम किया, सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार करने का आदेश किया, और शहीद के घर को 10 लाख रुपए देने का आदेश किया। ये माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया, दूसरा किसी ने नहीं किया। मुलायम सिंह अमर रहे। माननीय मुलायम सिंह जाना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, और हम तो ये कहेंगे कि इस दुनिया में जहाँ भी दबे कुचले लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक लोग, दलित लोग, मजरूम, किसान, नौजवान और समाज का वंचित आदमी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि माननीय नेताजी सबकी आवाज़ थे, सबके प्रेरणा स्रोत थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक प्रेरणा देते थे नेताजी। हर तबके का आदमी नेताजी को पसंद करता था। नेताजी एक क्रांति का नाम थे। आज पूरा देश ही नहीं, दुनिया में तमाम बहुजन समाज के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। आज एक समाजवाद का अंत हुआ है, और नेताजी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि नेताजी की यादें हम लोगों के बीच में जिंदा रहें, और नेताजी की आत्मा को शांति मिले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। मैं आज मुलायम सिंह के गांव सैपरी में खड़ा हुआ। आज देखें यहां पर कितनी भीड़, गमगीन माहौल है यहां पर। आज मेरे साथ उनके बाल सखा के रूप में वहीं के रहने वाले, आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या क्या उनमें खामियां। माधो सिंह नाम है मेरा। उन्होंने ऐसे काम किए थे कि बहुत अच्छे काम किए, बेरोजगारी भत्ता बांधो बीए वालों को, और वृद्धा पेंशन बांटी, और गरीबों के मुखिया थे मुलायम सिंह। तो के सुभाष चंद्र बोस बजे नेताजी के, मुलायम सिंह यादव बजे नेताजी। उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ थी? उनकी अच्छाइयाँ ये थी कि कितनी भीड़ होए अपने बिराने को इशारा से बुला लेते, पहचान लेते, पहचान रखते, और कितने ही परेशान हुए आदमी उनके ढिंगा जाने से संतुष्ट हो जाते। तो किस खेल से भी ज़्यादा प्यार करते थे? हमने सुना है कुश्ती से बहुत प्यार। कुश्ती तो वे बहुत अच्छी लड़ी है, उन्होंने कुश्ती लड़ी है। फिर एक दफ़े आपस के पहलवान ढिंगा के गांव के लड़ गए आपस में, तो खड़े हो गए ऐसे, बोले भाषण दिए जब कुश्ती लड़ते थे तब, कि आज से आपस का पहलवान ढिंगा का कोई आपस में नहीं लड़ेगा, बाहर के से लड़ेगा। तो उनकी तो ऐसी अच्छाइयाँ थी कि अपने आदमी को तो बहुत कुछ पहचानता थी। इससे पहले दादा आप कब मिले थे? हम मिले थे होरी पे, होरी पे आए थे। बहुत बढ़िया मिले वो होरी भाई खूब, और फिर वे चले गए। और
पार्सल हम वहाँ नखलऊ गए थे, तहाँ अंदर ही मकर में बुलाए लो, जैसे हमारा पता पहुँचो तैसे ही बुलाए लो और पूछी क्या काम। हमने कि जी बिटिया को काम है कि ठीक है पूरी ताकत लगाएंगे और एक बार हमको याद लगा देना। दोबारा गए तो तबीयत ख़राब हो गई, फिर तो बात ही नहीं। आप तो उनके साथ रहे हैं, उनकी कोई पुरानी ऐसी कोई याद बताओ जो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रसारित हो सके। अरे उनकी तो चौधरी चरण सिंह ने उनको उठाया था, चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि ये लड़का होनहार है। हमारे इटावा में आए थे चौधरी चरण सिंह तो बैलगाड़ी हम ले गए थे, बहुत ही बैलगाड़ी निवास फिंड में बनी नहीं थी, तब बहुत बड़ा फिंड था, तो उसमें चरण सिंह ने ऐसे कहा था कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेगा बनेगा बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री बन के तो बनने ऐसे काम किए, कहीं अस्पताल है कहीं ऐसे फादिकर हो जाए, ऐसे मुखिया थे गरीबों के भी। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कोटी के सामने खड़े भैया और बद्दा के बारे में पूछो। ये मुलायम सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं और गरीबन की मुखिया रहे हैं और गरीबन की उन्हें हमेशा मदद करी। मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आया हूँ, अभी मुझे पता लगा मैं कन्नौज से अभी आया। और कोई कन्नौज में कोई बात हुई? कन्नौज में बहुत विकास हुआ है और कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं समस्या। अभी आपने देखा आज उनके बाल सखा माधव जी से बात हुई, उनने उनके जीवन काल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। एक खूबी उनमें ये थी कि वे गरीबों के लिए हमेशा मरते थे और भरी भीड़ हो अगर आप उनके दोस्त हैं तो वे दूर से बुला लेते थे। गरीब आज यहाँ के जो लोग बाग हैं वो कन्नौज से आए साथियों ने हमें बताया कि वे गरीबों के हमेशा मसीहा थे। पी लाइफ की तरफ से श्रद्धांजलि, इटावा से रानू दीक्षित की रिपोर्ट। नेताजी ने संघर्ष किया और धरती पुत्र कहलाए गए। नेताजी के बगैर हम समाजवादियों का बहुत बड़ा स्थान रिक्त हुआ है और देश की छत हुई है जो जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। साथियों, सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी पहले नेताजी है, पहले नाम ऐसा था जिसको नेताजी कहा जाता था, इसके अलावा कोई नेता नहीं था। धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से इनको ये विख्यात हुए और जाने जाते रहे और लगातार गरीबों के प्रति संघर्ष करते हुए और बहुत निचले हिस्से से वो आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बने और देश के राष्ट्रीय वो रक्षा मंत्री रहे और लगातार आज भी हम लोग लगातार एक महीने से करीब नेताजी बीमार थे और लगातार उनके लिए दुआ करते रहे कि भगवान उनको अच्छा कर दे। लेकिन
ये भगवान की बात है। और